नमस्कार दोस्तों, विद्यालय नए को स्वागत है। दोस्तों आपसे बात करने वाले एसएससी एमटीएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी में एमटीएस के एग्जामिनेशन जो था वो 1 जुलाई से चालू होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उस एग्जामिनेशन के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों आज इस चैनल पर आपको जितनी बातें बताऊँगा बिल्कुल सही बताऊँगा, बिल्कुल सही एनालिसिस बता रहा हूँ, और इसके बाहर से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको मैं जो बता रहा हूँ आज 100% कन्फर्म है, लिख के ले लो। और याद रखना कि जैसे मैंने बोला वैसे ही सब कुछ होगी, तो आपको उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना है, उसी के हिसाब से तैयारी करना है। तो आप इस वीडियो का अंतिम तक देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपके दिल में एसएससी एमटीएस को लेकर, एग्जामिनेशन डेट को लेकर कोई भी असमंजस और शंका नहीं रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंतिम तक देखिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपसे मैं बात कर लूँ तो एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन जो था 1 जुलाई से शेड्यूल्ड था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शेड्यूल्ड कैसे था थोड़ा हम लोग पीछे बारीकी से थोड़ा देखें। तो सबसे पहले सीएसएल का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया, फिर सीजीएल का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया, और फिर एमटीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट होना था। तो ऐसे क्या था, तीनों एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना था। लेकिन सबसे पहले बताओ, सीएचएसएल का एग्जामिनेशन जो पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाया गया, लगभग 2 या 3 फेजेस एग्जामिनेशन जो बचे रह गए हैं। अब उसको कंडक्ट कराने के बाद 3 या 4 दिन बाद चालू होगा सीजीएल का एग्जामिनेशन, सीजीएल के 3-4 दिन बाद चालू होगा एमटीएस के, अगर शेड्यूल्ड वाइज चला तो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीएचएसएल एग्जामिनेशन कब चालू होगा। तो दोस्तों सीएचएसएल के एग्जामिनेशन जो वो जुलाई महीने के मिड में, यानी 15 से लेकर 20 जुलाई के मध्य में इसका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, और 25 तारीख तक एग्जामिनेशन चालू हो जाएगा सीएचएसएल का। यानी कि 25 तारीख तक आप पकड़ के चलो 25-26 तक सीएचएसएल एग्जामिनेशन कंप्लीट करा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्यों, देखो 25-26 तक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन जो है 3 या 4 को आ जाए और उसके बाद एग्जामिनेशन जो है 15 तक हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, जुलाई के मिड अब अगर चलो सीएचएसएल खत्म 29 या 30 जो है ना, 29-30 आप पकड़ के चलो कि आपका चालू होगा सीजीएल। जी हाँ दोस्तों, सीजीएल का एग्जामिनेशन, सीजीएल जब चालू होगा तो सीजीएल में लगभग मैं 10 दिन का टाइम ऑक्यूपाई लेता हूँ, तो 10 दिन सीजीएल में चला जाएगा, यानी 1 से लेकर 10 अगस्त। उसके बाद रेलवे, जी हाँ दोस्तों आप सोचे एसएससी में रेलवे क्यों रुका, लेकिन नहीं, एग्जामिनेशन तो टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है बहुत सारे जगहों पर, तो टीसीएस ही रेलवे के एग्जामिनेशन में कंडक्ट करवाता है, टीसीएस ही एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। तो होगा क्या कि सीजीएल खत्म होने के बाद रेलवे का 7वां फेज का जो एनटीपीसी एग्जामिनेशन है वो आपका हेल्ड रहेगा, यानी 7वां फेज कंप्लीट होगा। 7वां फेज कंप्लीट होने के बाद आपका एमटीएस चालू होगा, एमटीएस को ख़त्म किया जाएगा, यानी एमटीएस जो होगा वो आप अगस्त लास्ट में होगा, अगस्त लास्ट के पहले एमटीएस नहीं होगा। जुलाई में आपका सीएचएसएल चालू होगा, अगस्त में आपका सीजीएल होगा, और अगस्त लास्ट में आपका एमटीएस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, और उस एमटीएस खत्म होने के बाद फिर ग्रुप डी का एग्जामिनेशन रेलवे का चालू हो जाएगा, और उसी के मध्य बहुत सारे एग्जामिनेशन ली जाएगी, जैसे कि आईबीपीएस, आईबीपी इंटर बैंक पर्सनल सर्विस, इत्यादि सारी एग्जामिनेशन उसी के बीचों बीच निकाली जाएगी। तो उन सब में बहुत लंबा समय नहीं लगता है, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैंने आपके हर एक पॉइंट का जवाब देने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। अगर फिर भी कोई सवाल बनता है ना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी यथासंभव मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको मैं टेंशन से मुक्त देना चाहता हूँ। तो टेंशन से मुक्ति के लिए मेरे आप कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।